Cause I just wanna go, go, go to the deep end. TechnoWiz में आपका स्वागत है, आइए। Realme Narzo 50 ये इंडिया में आज लॉन्च हुआ है और इसके स्पेक्स जब मैंने देखा ऑन पेपर्स मुझे अच्छा लगा, मतलब Realme 9i जैसा फील नहीं हुआ, तो हमने इसलिए हिम्मत किया इसकी अनबॉक्सिंग करने के लिए। और ये आपको दो वेरिएंट्स में मिलेगा, 464 इसका बेस है और 6120 इसका हाइयर है। यहाँ पर फटाफट से अनबॉक्स करते हैं, देखते हैं कि आपको बॉक्स में उन्होंने क्या कुछ दिया है। तो पहले आपको आपका फ़ोन मिलता है, ये है फ़ोन, इसको रखता साइड में। बॉक्स में आपको एक 33 वॉट का फास्ट चार्जर दिया है, वेरी नाइस, और आपको एक टाइप सी केबल है बस। उसके अलावा सीधे आते हैं हमारे फोन की तरफ, बात करते हैं इसके डिजाइन और बिल्ड की। तो ये आपको 194 ग्राम्स का मिलता है और 8.5 mm की थिकनेस पर है, तो जो थिकनेस है वो अच्छी है, ज्यादा चौड़ा नहीं है और हाथ में होल्ड करने पर इतना भी ज्यादा बल्की नहीं लगता है, वेट थोड़ा डिसेंट है मैं ऐसे कहूंगा। पीछे की तरफ आपको पॉलीकार्बोनेट है, फ्रेम्स आपको पॉलीकार्बोनेट है ऑब्वियसली, और साथ में ऐसा लाइनिंग टेक्सचर आपको डिजाइन देखने को मिल रही है। ये कौन सा कलर है, मुझे लगता है, मुझे पता नहीं, मुझे समझ नहीं आता है। अच्छा, मुझे ग्रीन लग रहा था, ये एक्चुअली में ब्लू है। आपको और भी कलर्स देखने को मिलेंगे, साथ में कैमरे का बम भी इतना ज्यादा नहीं है, आपको क्वाड कैमरा सेटअप यहाँ पर मिल रहा है। उसी के अलावा फिजिकल की बात करें, नीचे 3.5 mm जैक है, माइक होले, टाइप सी पोर्ट है, एक ही स्पीकर आपको यहाँ पर मिलता है, लेफ्ट साइड में वॉल्यूम अप एंड डाउन की, उसके ऊपर सिम ट्रे जहाँ पर आपको डेडिकेटेड माइक्रो एसडी कार्ड का स्लॉट दिया, अच्छी बात है। आपको डुअल 4G वोल्टी का सपोर्ट मिलता है, 4G प्लस कैरियर इंटीग्रेशन नहीं है, हमने टेस्ट किया था। ऊपर की साइड सेकेंडरी माइक होल नहीं है, जबकि होना चाहिए था यार, एक अगर आप फोन लॉन्च कर रहे जो 13,000, 12,000 या मे भी 15,000 तक जा रहा है, तो आपको सेकेंडरी माइक होल तो देना ही चाहिए। ये क्यों करती है ब्रांड ऐसा, मुझे समझ नहीं आता है। और राइट साइड में आपको पावर बटन, उसी में आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर में आपको दिखाता हूँ, देखेंगे टच किया अनलॉक हो गया, वैसे वो ग्लैंस आया था, ग्लैंस फालतू की चीज़ें जो दिखाते रहता है, फिर से दिखाता हूँ, अरे क्या हो रहा है, फिर से ओके फास्ट है। डिस्प्ले की बात करते हैं, इसमें आपको मिलती है 6.6 इंच की फुल एचडी प्लस वाली एक आईपीएस एलसीडी डिस्प्ले, और यहां पर आपको पंच होल मिल रहा है ऊपर लेफ्ट साइड में जो ठीक ठाक साइज है, नीचे चिन भी अबव एवरेज है, एवरेज भी नहीं, थोड़ा ठीक है मैं ऐसे कहूंगा। साथ में आपको इसमें 480 निट्स की इसमें जो वो ब्राइटनेस मिलती है, ब्राइटनेस अच्छी है, इंडोर के लिए स्पेशली अच्छी है, जब हमने वीडियोस वगैरह देखा तो व्यू एंगल्स मुझे अच्छे लगे। हमेशा से मैंने रियलमी के फोन को क्रिटिसाइज किया था बजट में कि उनके डिस्प्ले की ब्राइटनेस उतनी अच्छी नहीं होती, लेकिन इसमें मैं कहूंगा कि थोड़ा अच्छा है। कौन सी प्रोटेक्शन है डिस्प्ले पर ये मुझे नहीं पता। उसी के साथ दोस्तों आपको उसमें NTSC वगैरह मिलता है, बेसिकली कलर्स में थोड़ा वो हेल्प करता है, तो हमने जब वीडियोस देखा तो कलर्स मुझे थोड़े ठीक लगे थे। साथ ही साथ आपको 120 हर्ट्ज की हाईएर रिफ्रेश रेट यहाँ पर मिलती है और 180 हर्ट्ज का आपको टच सैम्पलिंग रेट मिलता है। चलो IPS दिया है, AMOLED नहीं दिया, तो एटलीस्ट 120 हर्ट्ज की आपको हाईएर रिफ्रेश रेट मिलती है। अब आपको बता दूं, इसमें जो चिपसेट है हीलियो G96 वो इसका सपोर्ट लाती है। फॉर एग्जाम्पल हीलियो G88, G90, G95 और स्नैपड्रैगन 662, इनमें हाई रिफ्रेश रेट 120 हर्ट्ज का मैं बोल रहा हूँ, उतना तक का सपोर्ट नहीं, सिर्फ इस चिपसेट में है, इसलिए आपको इसमें मिल रहा है, तो अच्छा है कि उन्होंने इसका उपयोग किया। और वैसे दोस्तों ये जो चिपसेट है ये 4G है, 5G नहीं है, अगर आप 5G फोन लॉन्च करते तो क्या जाता, बजट में 5G मिल रहा है अच्छी बात होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाता है फिर कि जब 5G फोन ब्रांड्स आजकल लॉन्च कर रही है, आप देखो काफ़ी कॉम्प्रोमाइजेस हो रहे हैं, समझ रहे, तो मे बी उन्होंने शायद ये डिसीजन लिया है। लेकिन अंडर 15,000 है, 12-13,000 तो मैंने हमेशा से बोला है कि प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर ये फोन 15,000 के ऊपर चला जाता है तो कंप्लीटली आप इसको इग्नोर करिए। बाकी चिपसेट अच्छी है, पुरानी चिपसेट है, ट्राइड एंड टेस्टेड है, हमने बैटल ग्राउंड्स वगैरह टेस्ट किया, सब कुछ बढ़िया चलता है, डे टू डे लाइफ के टास्क भी काफी अच्छे होते हैं। वैसे आपको सॉफ्टवेयर की बात करें तो रियलमी UI इसमें 2 चल रहा है और साथ में एंड्रॉइड 11, जो मुझे पसंद नहीं आया, क्योंकि अगर आप एकदम कंप्लीटली न्यू फोन लॉन्च कर रहे हैं तो एटलीस्ट एंड्रॉइड 12 के साथ करिए, क्योंकि फिर इसमें अगर आप 2 साल का अपडेट देंगे तो ये एंड्रॉइड 14 तक अपडेटेड रहेगा। अभी अगर आपने एंड्रॉइड 11 दिया है, आप बोल रहे 2 साल अपडेट आएगा, तो ये 13 तक जाएगा, तो 1 साल तो ऐसे ही वेस्ट हो गया, मतलब लॉजिकली देखा जाए तो आप सिर्फ 1 साल का अपडेट दे रहे हैं। तो यही हमारा एक फीडबैक रहता है ब्रांड को कि अगर आप जब भी कोई फोन लॉन्च कर रहे हैं तो लेटेस्ट कोई भी चीज़ हो तो ज़्यादा हमारे लिए और आपके लिए भी बेटर हो। वैसे इसमें कुछ फालतू के ऐप्स हैं, मौज ये वो सब कुछ, जो आजकल हमें फ्लैगशिप फोन्स में भी मिल रही है, इन्होंने हमारा पीछा बिल्कुल नहीं छोड़ा है, जो इसमें भी है, लेकिन आप चाहो तो उनको निकाल सकते हैं। उसी के साथ रैम स्टोरेज सपोर्ट की बात करें तो LPDDR4X रैम सपोर्ट, UFS 2.1 स्टोरेज का सपोर्ट, PC मार्क का जो स्कोर आया था वो बराबर आया, 21,000 के आसपास था, चिपसेट के हिसाब से भी मतलब थोड़ी पुरानी चिपसेट है, लेकिन स्टिल स्कोर मुझे अच्छा लगा, ऐप ओपन क्लोज मल्टीटास्किंग डे टू डे लाइफ के जो भी आप काम कर रहे हैं वो सब कुछ इसमें अच्छा चल रहा, तो ये चीज उन्होंने यहाँ पर अच्छी करी है। बैटरी की बात करें तो आपको 5000 mAh की इसमें बैटरी मिलती है और 33 वॉट का फास्ट चार्जर बॉक्स में दिया है। पहले चार्जिंग की बात करें तो 1.25 घंटा लगता है इसको, 1 घंटा 10 मिनट या मैंने इतना ही कुछ देखा था,
मतलब एक घंटे से ऊपर है, लेकिन सवा घंटे के आसपास ये फुल चार्ज हो जाता है, ठीक है। और साथ में दोस्तों ये जो बैटरी बैकअप है वो अच्छा है। हमने सुबह में इसको चार्ज किया था 11 बजे और हमने फोटोस वगैरह लिया, थोड़े बहुत ऐप्स इंस्टॉल किए, कुछ बेंचमार्क्स भी किया था। अभी 94% है, 6% ड्रॉप हुई, विच इज़ गुड नॉट बैड। तो अगर आप मिक्स्ड यूज़ करते हैं और अगर आप ज़्यादा हैवी यूज़ नहीं करते तो आराम से ये पूरा दिन चलेगा, जितना मैंने ऑब्जर्व किया उसके बेसिस पे बोल रहा हूँ, वहाँ पर उस मामले में आपको ज़्यादा शिकायत नहीं होगी। ऑडियो टेस्टिंग हो जाए सिंगल स्पीकर, लेकिन क्वाइट सरप्राइजिंग काफ़ी लाउड है, मैं आपको दिखाता हूँ फुल वॉल्यूम। ओके, वेरी गुड। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टेडियो स्पीकर्स में भी, क्योंकि स्टेडियो इफेक्ट्स आता है ना, तो उससे भी मुझे थोड़ा लाउड लगा। तो कभी कभी ब्रांड सिंगल स्पीकर से भी अच्छी ऑडियो क्वालिटी दे रही थी जो मुझे यहाँ पर इसमें लगा। अच्छा, हैप्टिक्स की बात करो तो हैप्टिक्स इसमें ठीक ठाक है। टाइपिंग के वक्त थोड़ा होता है, मल्टीटास्किंग करते तो वहाँ पर है, मतलब थोड़ा एक्सपीरियंस आपको उसका मिलेगा, थोड़ा चीप नहीं लगेगा, मिलेगा। और उसी के साथ ब्लूटूथ वर्जन 5.1 है और डुअल बैंड वाईफाई 5 GHz बैंड वाईफाई में सपोर्ट होता है। अच्छी बात यह कि मैं यहाँ पर अंदर हूँ फिर भी फुल वाईफाई नेटवर्क दे रहा है, तो ये चीज़ आपको अच्छी मिलती है। साथ में एक और चीज़, वाइडबैंड L1 वगैरह भी है, अगर आपको नेटफ्लिक्स Amazon के कंटेंट्स HD में स्ट्रीम करना है, बहुत सारे मूवीज़ वगैरह होते हैं सपोर्ट कुछ नहीं होते, तो इसमें आपको वो सपोर्ट मिलता है। फाइनली कैमरे की तरफ आते हैं, 50 MP आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप है। मैंने आपको पहले गलती से कोड बोल दिया था, आजकल डिज़ाइन ऐसी देते ना कि समझ नहीं आता है, वो चौथा वाले उसमें उन्होंने फ्लैश लाइट दी है। तो ट्रिपल कैमरा सेटअप है, प्राइमरी F1.8 आपको एपर्चर मिलता है, मैक्स फुल HD वीडियो आप 30 FPS पे शूट कर सकते हैं, EIS वगैरह मिलता है, और उसी के साथ मैक्रो और ब्लैक एंड वाइट सेंसर अलग से दिया है। एक अल्ट्रावाइट दे देते तो क्या जाता था, मानते हैं उसमें भी बहुत सारे लोग यूज़ नहीं करते अल्ट्रावाइट वगैरह, लेकिन स्टिल ये सब 2 MP वाले आप बेहतर रहेगा, ना ही तो अच्छा है। सामने की तरफ 16 MP की सेल्फी है, यहाँ पर आपको फुल HD वीडियो मैक्स शूट करने मिलता है, EIS वगैरह आपको यहाँ पर भी मिलता है। अब यहाँ पर दोस्तों फोटोज़ देखेंगे ना तो थोड़े उन्होंने इंप्रूवमेंट किया है, अगर आप मैं दिन में आपको थोड़े फोटोज़ दिखा रहा हूँ तो अच्छे हैं। अगर आप बुके शॉट्स देखते हैं तो अच्छे आए, सैचुरेटेड थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन स्टिल प्राइस के हिसाब से अगर 12-13 हज़ार की रेंज का फ़ोन है तो नॉट बैड। अगर आप क्वालिटी देखते हैं तो अच्छे हैं, कलर्स वगैरह मुझे सब कुछ यहाँ पर ठीक लगा। सेल्फी देखते हैं तो सेल्फी भी अच्छी निकल कर रही है दिन में, और यहाँ पर भी शार्पनेस वगैरह डायनामिक रेंज कुछ कुछ जगहों पर ठीक था, हालांकि कुछ कुछ जगहों पर तो बड़ा खतरनाक इशू था एच डिटेक्शन में, आप देख सकते हैं ये वाला, तो ये मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन कुछ कुछ जगहों पर फोटोज जो सेल्फी में भी थे वो काफ़ी अच्छे थे। वीडियो देखते रियर तो स्टेबलाइजेशन मुझे ठीक लगी, कहीं कहीं डायनामिक रेंज में इशू था, लेकिन कहीं कहीं डायनामिक रेंज उसने कंट्रोल कर लिया, तो ये चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस किया, बट कुड हैव बीन बेटर ये मैं कहूँगा, फिक्स्ड कर सकती है ब्रांड। और सामने सेल्फी देखेंगे तो सेल्फी वीडियो भी स्टेबलाइजेशन मुझे ठीक लगी, और यहाँ पर भी वही सेम चीज़ मैंने नोटिस किया, डायनामिक रेंज कुछ कुछ जगहों पर ज़्यादा मतलब पीछे ब्राइट हो जाता है तो कहीं कंट्रोल में रहता है, तो इसको भी उनको यहाँ पर कहीं ना कहीं फिक्स्ड करना चाहिए। अच्छा, नाइट में थोड़ा गेम चेंज हो गया, बजट में अक्सर फोन्स मार खा जाते नाइट में, लेकिन यहाँ पर थोड़े फोटोज़ अच्छे निकल कर आए। आप देखोगे रियर कैमरे से फोटोज़ काफ़ी अच्छे हैं, मैं आपको पोर्ट्रेट भी दिखा रहा हूँ नाइट के, शार्प है। और कुछ फोटोज़ भी देखोगे तो जो जो चीज़ें लिखी हुई है दुकानों पर नीचे बॉक्स पर, तो ये सब कुछ दिख रहा है, तो हाँ फोटोज़ ठीक है नाइट के। सेल्फी भी देखते हैं तो अच्छी है, ये भी चीज़ मैंने यहाँ पर नोटिस किया, शार्प वगैरह, लेकिन थोड़ा ज़्यादा जूम करने जाएगी तो वो डिस्टॉर्ट हो जाएगा, लेकिन ओवरऑल देखने में थोड़ा अच्छा लगता है। तो बजट फ़ोन के हिसाब से जो फोटोज़ नाइट में भी आए वो अच्छे थे। तो यहाँ पर दोस्तों इतना इस वीडियो के अंदर जो था आपको उसके बारे में बता दिया, और अगर ये फोन मुझे लगता है कि 13 हज़ार की रेंज का भी होता है, 12.5 तक और एग्रेसिव होता है तो बढ़िया है, क्योंकि चिपसेट अच्छी है, आपको डिस्प्ले भी अच्छी मिल रही है, 120 Hz की हाईर रिफ्रेश रेट यहाँ पर दिया है, एमोलेड नहीं है लेकिन IPS पे एटलीस्ट 120 Hz या 90 नहीं दिया है, और साथ में बड़ी बैटरी है, 33 W फास्ट चार्जिंग वगैरह। कैमरा भी मुझे काफ़ी टाइम बाद कोई ऐसा रियलमी का फोन है जिसका मुझे कैमरा ढंग का लगा है, जो आपने ऑलरेडी देख लिया था। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि अगर उस प्राइस रेंज पर जो मैंने आपको बताया उस पर आता है तो ठीक है। बाकी आपकी क्या राय इसके बारे में, आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।